हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करेंगे पॉलीनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तो आपने सुनी है, बट पॉलीनोमियल की भी कुछ आइडेंटिटीज है। देखो, आपने इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि 1/α + β, α - β² α² β² और ये सब क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें कि इन तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करें इजी वे में। देखो, इसके दो तीन मेथड है, मैं आपको बताऊंगा, जो आपको ठीक लगे वो करना। बट हाँ, ये वीडियो जरूर वैल्यू ऐड करने वाली है आपके इस चैप्टर में। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं मिल गया, देखो चांसेस है ये वाली टाइप कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं कि एक पॉलीनोमियल है, उसकी दो जीरो है अल्फा बीटा, तो इन सब में से कोई ना कोई पूछ लेते हैं। एक तो और भी टाइप है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आप कमेंट करना दोबारा से, वो उस टाइप्स को भी बना दूंगा मैं, ठीक है। देखो, जैसे कि ये मैच ऑफ द फ्लोइंग करना आपको, ठीक है, इनको मैच करना है। तो कैसे करेंगे, मैं पहले उठाता हूं फर्स्ट क्वेश्चन। एक केस तो आपका ये है कि अब आपके पास ये पॉलीनोमियल है, आपके पास पॉलीनोमियल कौन सी है, ये 2x² - 4x + 5। अब अल्फा बीटा क्या है, इसकी जीरो है। अल्फा बीटा इसकी जीरो है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा एक्स की वैल्यूज है, एक्स की वो वैल्यू जो इसको जीरो बना देंगे। अब देखो, इसकी डिग्री 2 है तो इसकी 0 2 होगी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये अल्फा बीटा होता क्या है, ये जीरोस को मान लेते हैं। जीरोस को आप अल्फा बीटा मान लो, आप जीरोस को पी क्या हो मान लो, आप कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हो जीरोस को। अब ये 2 डिग्री है इसकी, इसकी दो जीरो है, तो एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, ठीक है। अब पहला मेथड तो ये है कि आप क्या करो, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो, फिर आप इसको फैक्टराइज करो। फैक्टर करने के बाद इसके फैक्टर निकाल लो, एक्स की वैल्यू आएगी, वहां से अल्फा बीटा आ जाएगा, और फिर आप डायरेक्ट पुट कर लोगे 1, अल्फा की वैल्यू यहां, बीटा की यहां, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये और ये। एक मेथड तो ये है, अगर आपको लगता है कि आप फैक्टराइज करके कर सकते हो, अल्फा बीटा निकालो और इसको सॉल्व कर लो। बट दूसरा मेथड जो मुझे लगा कि ये भी हो सकता है, देखो उसमें आपको कोई जीरो निकालने की नीड नहीं है, डायरेक्ट होगा वो। कैसे, देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ये वैल्यू, सबसे पहले मैं निकालता हूं 1/α + 1/β, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा -b/c। इसको क्या लिख सकते हैं, -b/c। तो अब देखो, -b/c मतलब माइनस, और बी क्या है मेरा, -k4, और सी क्या है मेरा, 5। तो -(+)4/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। ये लाइट थोड़ा ब्लिंकिंग कर रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 4/5, बिल्कुल डायरेक्ट। देखो, ना तो आपने जीरोस निकाली, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, सिर्फ -b/c और इसकी वैल्यू आ गई, है ना, बढ़िया। कमेंट बॉक्स में राइट करना यस सर, और ठीक है, और वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी, बस सपोर्ट कीजिए आप। उसके बाद अगर मैं इसको देखूं तो इसकी वैल्यू पड़ी है ये, तो यानी ये वाला आंसर आ गया 4/5। यानी हम लिख सकते हैं कि हमारे ए की वैल्यू क्या आई है, ए का ऑप्शन कौन सा है, 4। अब यहां पर बी सी और डी यहां लिख लेता हूं, ए बी सी और डी, ए का ऑप्शन 4 आया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पर, नेक्स्ट देखते हैं, ये डस्टर भी कई बार थोड़ा तंग करता है, चलो कोई बात नहीं। देखो, अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, α - β² α - β² अब इसको कैसे फाइंड करें, अगर अल्फा प्लस बीटा होता तो हम सम ऑफ जीरो फाइंड करके निकाल लेते, है ना,
बट यहां पर तो अल्फा माइनस बीटा है, इसको कैसे निकालें? क्या हम ऐसे करें, इसको आइडेंटिटी ओपन करें, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर फिर माइनस टू अल्फा बीटा, अगर हम ऐसे भी करें तो भी अल्फा बीटा तो निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बट इसको कहां से लेके आए तो प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, तभी मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करने की सोची, एनालिसिस करके लेके आया हूं इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं वैल्यू जरूर ऐड करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। देखो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, ये पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी, और ये पहली वीडियो है यूट्यूब चैनल पे इस तरह की इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सपोर्ट करना प्लीज। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को डायरेक्ट कर दो आप, इसको मैं लिख सकता हूं एस स्क्वायर माइनस फोर पी, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब एस क्या है मेरा, एस तो है मेरा, मैंने लिखा हुआ है एस है मेरा सम ऑफ जीरो, और पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखो एस स्क्वायर माइनस फोर पी, अब यहां पर देखो ये इक्वेशन है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के फोर बाय ए, ए कितना है मेरे पास टू, तो हो जाएगा फोर बाय टू यानी टू। अब देखो मुझे तो आपको सोल्व करके दिखाना है, अदरवाइज सीधा जब सम ऑफ जीरो निकालना हो ना डायरेक्ट माइंड में माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस फोर बाय टू सीधा डायरेक्ट टू, माइंड में इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो यानी मेरे पास सम ऑफ जीरो क्या आ गया टू। अब प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी बाय ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए यानी सी फाइव है और ए टू है यानी फाइव बाय टू, ये आ गया। अब बस फॉर्मूले में लगा दो, फॉर्मूले में सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू। देखो वैल्यू क्या आएगी, एस स्क्वायर माइनस फोर पी, एस क्या है मेरा टू, टू का स्क्वायर माइनस फोर, पी की वैल्यू कितनी है फाइव बाय टू, तो कट कर दो इसको, टू टू जा फोर ये हो जाएगा फाइव टू जा टेन, ये तो हो जाएगा टू स्क्वायर फोर माइनस फाइव टू जा टेन, तो आ जाएगी माइनस के सिक्स, ये वैल्यू आ रही है माइनस के सिक्स, माइनस सिक्स पड़ा है, माइनस के सिक्स पड़ा है, ये पड़ा भाई माइनस का सिक्स, यानी जो हमारा बी है उसका फर्स्ट है। अब अगर आपके पास ऑप्शन होते मैच द फ्लोइंग में, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है बट आपको सोल्व करने के, सारे क्वेश्चन सोल्व करने की नीड नहीं थी आपको, आपका ए फोर आ गया बी वन आ गया, अब ऑप्शन में देख लो किस में फोर आ रहा है किस में वन आ रहा है। अगर सब में ही ऐसा होता तो सब बच्चों को पता लग जाता कि फर्स्ट का फोर है इसका ये है, तो जहां पर ये ऑप्शन मिल गया वो आपका आंसर है, आगे आपको सोल्व करने की नीड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि आपके साथ बोर्ड में केस बन जाए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बट मुझे सोल्व करके दिखाना है। तो ये आपके सामने ही है, तो यहां से अगर मैं देखूं, मैं लिख लेता हूं सम मेरा क्या आ रहा है टू आ रहा है सम ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ रहा है फाइव बाय टू, यानी यहां पे लिख लेता हूं मैं एस क्या आ रहा है मेरा टू और पी आ रहा है मेरा फाइव बाय टू, दोबारा दोबारा निकालने की नीड नहीं है, तो ये वाली टाइप होगी। आगे चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं भाई, अपने माइंड में भी स्पेस बना के रखो और बोर्ड पे तो चाहिए, तभी तो कुछ क्रिएटिविटी आएगी। चलो तो मैंने आपको क्या बताया, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बता दिया, अब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट ये कर दो एस स्क्वायर माइनस फोर पी, बस ये अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको कैसे निकाले भाई, इस वाले को कैसे निकाले, अब ना तो हमारे पास ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा या कोई रिलेशन है, अब देखो अल्फा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कैसे निकाले, ना तो मैंने जीरो निकाल रखी, या इसका कोई रिलेशन होता फिर तो निकाल भी लेता, अब इसको कैसे निकालो बताओ। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है एस स्क्वायर माइनस टू पी, डायरेक्ट फॉर्मूला एस स्क्वायर माइनस टू पी, एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो मैंने सम ऑफ जीरो निकाला था टू, टू का स्क्वायर माइनस टू, पी की वैल्यू कितनी है फाइव बाय टू, टू से टू कैंसिल, टू स्क्वायर फोर माइनस फाइव यानी माइनस के वन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया
माइनस के वन, ये पढ़ा ये रहा। अब देखो तीन सोल्व कर लिए, अब भी फोर्थ वाला सोल्व करोगे अब तो आंसर ही हो जाएगा, कॉमन सेंस है, बट मुझे सोल्व करके दिखाना है क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कैसे करना है, अदरवाइज आगे सोल्व करने की नीड नहीं है इस मैच ऑफ द फ्लोइंग को। तो थर्ड का आया मेरा, थर्ड का थर्ड, ठीक है, डी का आ जाएगा टू, फोर वन थ्री टू, है ना, फोर वन थ्री टू, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, फोर वन थ्री टू कुछ होता है क्या। चलो आगे चलते हैं। अब भाई साहब नेक्स्ट है हमारा वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बीटा स्क्वायर, इसको कैसे निकालें हम। अब अल्फा बीटा तो मैंने निकालना ही नहीं है, है ना, मैंने जीरो तो निकालना ही नहीं है, मैंने जीरो निकाली एक्स की वैल्यू वो तो समझा ही नहीं है। वो मेथड अगर आपको इजी लगता है डायरेक्ट अल्फा बीटा निकाल के, अगर उससे लग रहा है तो उससे कर लो, बट फैक्टर नहीं बन रहे हैं उस केस में, या डायरेक्ट आपको करना है तो उसके लिए फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो वन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाय बीटा स्क्वायर, इसका है एस स्क्वायर माइनस टू पी, बस डिवाइड में पी स्क्वायर कर दो, बस एस स्क्वायर माइनस टू पी डिवाइड में पी स्क्वायर कर दो। अब मैंने पीछे बताया था एस स्क्वायर माइनस टू पी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन आई थी, अब पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, फाइव बाय टू, तो फाइव बाय टू का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाय फाइव बाय टू का स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव बाय फोर, जब ये ऊपर जाके रिवर्स होएगा तो ये माइनस वन इंटू फोर बाय ट्वेंटी फाइव, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर बाय ट्वेंटी फाइव। तो ये आपका आंसर आया दिस वन, ये वाला। तो ये चार टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अल्फा बीटा से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अल्फा बीटा दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज निकालो, तो आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए वीडियो बनाई है, तो सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी करे तो लाइक भी कीजिएगा। अभी चलते हैं, अभी इसका एक समराइज कर लेते हैं कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है। तो लास्ट में समराइज करवा देता हूं, क्या कह रहे हो, डस्टर बढ़िया वाला लेके आए, चलो डस्टर बढ़िया वाला आ जाएगा, बट मेनली बढ़िया वाली पढ़ाई करवानी है आपको, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं, अब मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको ध्यान रखना है अगर डायरेक्ट वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस बी बाय सी, बिल्कुल डायरेक्ट, कुछ नहीं सोल्व करना अल्फा बीटा, सब डायरेक्ट। और दूसरा अगर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला एस स्क्वायर माइनस फोर पी, एस मैंने आपको बता दिया सम और पी मैंने बता दिया प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस, अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो एस स्क्वायर माइनस टू पी कर दो, एस और पी की बात हो रही है, इसमें एस स्क्वायर माइनस फोर पी है, इसमें एस स्क्वायर माइनस टू पी। अब अगर इस केस में आ जाए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर है, अगर ऐसे आ जाए इस केस में आ जाए तो एस स्क्वायर माइनस टू पी के डिवाइड में पी स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आपको याद रखना है और आप याद कर सकते हो अपने माइंड से अच्छे से, मैंने इसको समराइज किया है, आपको बस याद करना है एस और पी की बात हो रही है, इसमें माइनस फोर है, इसमें टू है, इसमें बस नीचे आगे दोनों अल्फा बीटा स्क्वायर नीचे आ गए तो इसमें भी पी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और एक और टाइप बताऊंगा, एक और टाइप आती है उसको भी याद कर लो, वो भी लिख देता हूं, अगर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इस तरह से आ जाए उसको भी एस स्क्वायर माइनस टू पी बस डिवाइड में पी कर दो, बस यानी एस और पी की बात हो रही है, बस सिर्फ इसमें एस स्क्वायर माइनस फोर पी है, बाकी में देखो सब में इसमें टू पी है, इसमें नीचे चले गए तो स्केयर हो गया नीचे पी स्केयर, इसमें डिवाइड में सिंगल ऊपर नीचे तो नीचे पी लगा दिया, तीन ही चीजें तो याद करनी है आपको। तो ये था डियर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 10 का दम हमारी सीरीज चल रही है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।